दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम पूजा गर्ग है और मैं चैनल के ऊपर आपको रीजनिंग और जीके पढ़ाती हूँ। हमारे चैनल के ऊपर आपको डेली बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की जाती है जो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो। ओके, तो आज की जो ये हमारी वीडियो है, आज जो ये हमारी क्लास रहेगी वो 28th क्लास रहेगी। ऑलरेडी 27 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है रीजनिंग की। रीजनिंग की क्लास का टाइम, जो बच्चे नए है, भी 2 बजे रीजनिंग की वीडियो अपलोड होती है, 1 बजे मैथ की वीडियो अपलोड होती है और शाम को 8 बजे डेली जीके की वीडियो अपलोड होती है। मैथ की भी अब तक टोटल 28 क्लासेस, आज की क्लास मिला के 28 हो जाएगी, रीजनिंग की भी 28 क्लासेस हो जाएगी और जीके की आज की क्लास को मिला के टोटल 35 क्लासेस हो जाएगी। डेली आपको ये क्लासेस दी जा रही है। अगर आप कोचिंग सेंटर तक नहीं जा सकते तो आप ये वीडियो सुनिए, आपके सारे के सारे बेसिक और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास का नया चैप्टर है वो है डायरेक्शन। ऑलरेडी हम रीजनिंग के अंदर एज कंप्लीट कर चुके हैं, सीरीज कंप्लीट हो गया, कैलेंडर कंप्लीट हो गया, क्लॉक, रैंकिंग और डाइस, ये सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज का जो ये हमारा टॉपिक रहेगा वो डायरेक्शन का रहेगा। हर टॉपिक, हर एक पेपर के अंदर डायरेक्शन से सम जरूर आते हैं। अपना टारगेट एक पेपर को जरूर रखिए, जैसे DRDO का पेपर है उसमें रीजनिंग 35 नंबर की आनी है, SSC CHSL का पेपर है उसमें भी रीजनिंग पूछी जानी है, रेलवे का पेपर है उसमें भी रीजनिंग आनी है और बैंकिंग में भी आनी है। बैंकिंग में रीजनिंग का लेवल बहुत अलग रहता है, लेकिन बाकी सारे पेपर में रीजनिंग का लेवल यही रहता है, इससे ऊपर लेवल बाकी किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाता, क्योंकि मैंने आपको हाई से हाई लेवल करा दिया। ओके, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। नया चैप्टर शुरू करते हैं डायरेक्शन का, साथ साथ में कंप्लीट करना जो पहली बात कर रहे हैं। हमारे पास टोटल कितनी डायरेक्शन होती है पहले हमें ये पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस बना दी, टोटल हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है जो मेन होती है। सबसे ऊपर कौन सी होती है भी, सबसे ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ। यहाँ होती है जो डायरेक्शन उसको बोला जाता है ईस्ट, यहाँ जो होती है वो होती है हमारी साउथ, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी वेस्ट होती है। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर दिशा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्व दिशा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भी, दक्षिण दिशा। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, पश्चिम दिशा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने। हाँ जी, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा घर, मान लो ये जो है ये मेरी एकेडमी है, ठीक है, यहाँ पे हमारी एकेडमी है और यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, ये मैंने आपको बोल दिया। अब मैंने आपसे ये बोला है एकेडमी से मेरा घर किस दिशा में है, अकेडमी से मेरा जो घर है वो किस दिशा में है। अगर मैं घर मेरा यहाँ पे बनाऊं और अब आपसे पूछूं कि अकेडमी से मेरा घर किस दिशा में है, आपने बोला अकेडमी आपकी यहाँ है और घर आपका यहाँ पे है, तो घर कौन सी दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में। यहाँ बनाऊंगी तो दक्षिण दिशा में, यहाँ बनाऊं तो उत्तर दिशा में, और यहाँ बनाऊं तो पश्चिम में, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने आपको बोला ये दिशा बताओ। अब ये जो दिशा होती है ये वाली दिशा होगी हमारे पास, इस दिशा को क्या बोलेंगे, इस साइड से नॉर्थ लेना है और इस साइड से ईस्ट लेना है, तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। और अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि एकेडमी से घर किस दिशा में है तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। आगे समझ में, मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे मैंने कोई हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया मैंने यहाँ पे। अब मैंने ये पूछा अकेडमी से जो हॉस्पिटल है वो किस दिशा में है, तो हॉस्पिटल किस दिशा में है, ये जो डायरेक्शन होती है हॉस्पिटल यहाँ पे है, यहाँ खड़े होके देखेंगे तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, इस साइड से पूर्व और इस साइड से दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्व। ये जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व, और इंग्लिश में बोलेंगे साउथ ईस्ट, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। आगे समझ में, यहाँ पे मैंने बना दी कोई भी मार्केट, यहाँ पे मान लो मार्केट है। अब मैंने पूछा अकेडमी से जो है मार्केट किस दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट। जो पहली बार भी कोचिंग दे रहे हैं ना, मैं रीजनिंग ऐसे इस बिल्कुल ही बेसिक से बताती हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। मेरा टारगेट वो स्टूडेंट्स नहीं है जिनको ऑलरेडी आता है, मेरा टारगेट वो स्टूडेंट है जिनको नहीं आता, जो फीस नहीं दे सकते, जो कोचिंग सेंटर तक नहीं आ सकते। ओके, तो बिल्कुल ही बेसिक से बताया जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पीड ज्यादा लगे तो नीचे कमेंट कर देना। ओके, हाँ जी, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पश्चिम, तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। ये डायग्राम जो है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे कोई शॉप बना दी मैंने, ठीक है, तो अकेडमी से शॉप किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट।
और यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे तो उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। ये मैंने पूरा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इस डायग्राम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा आपको आंसर देना है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे बनाया आपको, यहाँ पे दे दिया मैंने घर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना दिया ऑफिस। और मैंने आपसे पूछा है घर से ऑफिस किस दिशा में है, घर से ऑफिस किस दिशा में है। अब आपको क्या करना है, घर से पूछा गया है ना, तो घर के ऊपर ये बना लेना है। ये बनाया घर के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे ये चेयर बनाई है। घर से ऑफिस पूछा है तो ऑफिस को देखने के लिए ऐसे देखना पड़ेगा, और ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो घर से ऑफिस किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में। आ गया समझ में। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ ले घर से ऑफिस नहीं बताना, ऑफिस से घर बताना है, ऑफिस से घर किस दिशा में है, यानी यहाँ खड़े होके देखना है, तो यहाँ पे ये बना लो, ये बना लिया यहाँ पे। अब घर के लिए देखना है तो नीचे देखना पड़ेगा, और नीचे वाली दिशा यानी ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, यानी साउथ ईस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा तो पूरा टॉपिक, चाहे आपको कितने भी अच्छे से आते हो, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो रैंकिंग हो, चाहे एज हो, अगर क्वेश्चन आपने सही से नहीं पढ़ा तो पूरा टॉपिक वेस्ट हो जाएगा। ओके, 35 नंबर की डीआरडीओ में जो रीजनिंग आनी है उस 35 में से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें एक भी नंबर नहीं कटवाना, और ये मेरी गारंटी है। सारे लेक्चर आप रेगुलर देखिए, अब तक टोटल 28 क्लासेस हो चुकी है, फरवरी एंड तक हमारा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी टॉपिक है आपका एक सिंगल नंबर नहीं कटेगा, बाद में सारी आपकी प्रैक्टिस है, हम डेली प्रैक्टिस किया करेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे समझ में। चलो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, किस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये पूरा डायग्राम है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी लीजिए, हाँ जी, जल्दी से इस पूरे डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये तो हमने, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, वरना वीडियो को पॉज करके ले लेना। अब ये जो डायग्राम है ये मैं साइड में बना दूंगी, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये नॉर्थ है भी, हिंदी इंग्लिश में मैंने लिख दिया था, वहां से आप देख लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो इसका नेक्स्ट टाइप क्या बनेगा, नेक्स्ट टाइप इसमें क्या होगा। मैंने आपको बोला है एक बंदा है राम, राम पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। चलो एक बार आप उत्तर ले लो, राम उत्तर दिशा में, उत्तर यानी कि नॉर्थ, राम उत्तर दिशा में, उत्तर डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। ये पहली लाइन मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। अब आपको पता सफर कौन तय कर रहा है, राम तय कर रहा है। यहाँ एक पॉइंट बना रहे हैं आपने, यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, और इस पॉइंट को नाम क्या दे देना है, स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि आप कहीं से तो शुरू करोगे, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, राम। राम यहाँ से सफर शुरू करेगा, ठीक है। राम उत्तर दिशा में, उत्तर कौन सी होती है भैया, ऊपर वाली होती है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे मैंने चला दिया अभी इसको 10 किलोमीटर। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ तक चलाओ, यहाँ तक चलाओ, यहाँ तक चलाओ, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने कुछ नहीं है, कोई लाइन नहीं दे रखी। आगे मैं आपको बताऊंगी कब आपको फर्क पड़ेगा, अभी तक हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दो तीन जो पार्ट्स है उसके अंदर हमारा डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, छोटे मोटे पेपर तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे, राम जो है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहे हैं। अब अगला पॉइंट है, वहां से वो बाई और मुड़ता है, वहां से वो बाई यानी कि लेफ्ट। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूं, अगर मैं बोलूं बाया, बाया बोलते हैं भी लेफ्ट को, और अगर बोला जाए दाया तो दाया बोला जाता है भी राइट को। ओके, तो वहां से वो बाई और मुड़ता है, बाई और कितना मुड़ता है, वो बाई और मुड़ेगा वहां से 5 किलोमीटर। अब बहुत सारे बच्चे वैसे इस चैप्टर में इसमें ही कंफ्यूजन रहते हैं, कि उनको लेफ्ट राइट समझ में नहीं आता। आप अपने आप को यहाँ पे सेट करके देखिए, अपने हाथ रख के देख लिया करो यहाँ पे, कि व्यक्ति ऐसे जा रहे,
ऐसे खड़ा है वो। अब उसका ये मेरा जो हैंड है वो राइट है ना, वो व्यक्ति ऐसे, ये उसका दाया हो जाएगा यानी राइट हो जाएगा और ये उसका बाया हो जाएगा, ठीक है। वो मुड़ कहाँ रहा है, बाई ओर मुड़ रहा है, तो इधर थोड़ी मुड़ेगा, ये बाया है ना मेरा ये वाला, हाँ तो इस साइड मुड़ेगा यहाँ पे, तो बाई ओर मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा, 5। तो मैंने यहाँ पे बनाया ये 5 किलोमीटर, देखो सामने कोई लाइन नहीं है तो कितनी मर्जी चला सकते हो। अब वो व्यक्ति यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से बोला गया कि वो फिर से अपने बाई ओर मुड़ रहा है, दोबारा से 5 किलोमीटर मुड़ गया, फिर दोबारा बाई ओर मुड़ेगा, दोबारा बाई ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा, दोबारा बाई ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा। अब एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे, दोबारा बाई ओर वो बंदा ऐसे है, ठीक है। अब उसका ये तो हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, यही होगा ना, तो बाई ओर मोड़ना है यानी कि लेफ्ट साइड मोड़ना है, तो लेफ्ट साइड नीचे आएगा वो, और नीचे आएगा तो 10 किलोमीटर है। अब देखो, अब 10 किलोमीटर चलाना है नीचे की साइड। अब आप अपनी मर्जी से ये नहीं, आप कह दो ये 10 किलोमीटर है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सामने एक लाइन है जो कितने किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर की है। अब अगर यहाँ पे आपको 8 बोला है तो लाइन को इससे पहले रोकना पड़ेगा, इस लाइन से पहले। अगर 10 बोला है तो बिल्कुल सामने आके रोको, अगर 11 बोला गया है तो इसे क्रॉस करा दो, आगे समझ में। तो वो 10 किलोमीटर यहां तक चले हैं, ये एंडिंग पॉइंट है। अब राम यहाँ पे, यहां से राम ने चलना शुरू किया है और पूरा सफर तय करके राम अब यहाँ पे पहुंच गया, आगे समझ में। अब इस पूरे चैप्टर में चाहे कितना भी डिफिकल्ट सम आ जाए, इस पे 4 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ, मैं चारों क्वेश्चन लिख रही हूँ, पूरे चैप्टर में ये 4 ही क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है, राम का फेस किस दिशा में है, या राम का जो मुंह है या राम का जो फेस है वो किस दिशा में है, राम का फेस किस दिशा में है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा चाहे कितना भी हाई लेवल का पेपर हो, राम का फेस किस दिशा में है, पहला क्वेश्चन। अब देखिए राम का फेस कहाँ होगा, राम नीचे की साइड चल रहे हैं तो नीचे वाली डायरेक्शन, ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, दक्षिण होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राम का फेस किस दिशा में है, तो आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा में, आगे समझ में। दूसरा क्वेश्चन वो इस पे क्या बनेगा, राम किस दिशा में चल रहे, राम किस दिशा में चल रहा है, राम किस दिशा में चल रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। तो राम किस दिशा में चल रहा है, भी नीचे की साइड ही चल रहा है राम, जहां पे फेस होगा उसी दिशा में चलेगा, तो राम किस दिशा में चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा में चल रहा है, ओके, बिल्कुल ही बेसिक से बता रही हूं मैं। तीसरा पॉइंट वो यहाँ पे क्या बनाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से देखें, यानी कि प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो राम अब कहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो राम किस दिशा में है, तो राम किस दिशा में है, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, राम किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होकर देखें तो राम अब कौन सी दिशा में है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ खड़े होकर देखना है, मैंने आपको बताया था जहां से भी पूछा जाए वहां ये बना लिया करो। अब राम कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ जब खड़े होके देखना है, इस साइड खड़े होके देखना है, तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, राम तो यही है ना, ये देखो इस साइड ही देखना पड़ेगा मुझे, और ये वाली साइड कौन सी होती है, यहाँ देखो ये वाली साइड कौन सी होती है, पश्चिम होती है ना, तो यहाँ अगर खड़े होके देखेंगे तो राम अब कौन सी दिशा में, अभी पश्चिम दिशा में है, आगे समझ में। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रोक दिया तो पूरी डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी, फिर हमारे आंसर गलत आएंगे। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन, एंडिंग पॉइंट पर खड़े होकर देखें, एंडिंग पॉइंट पर खड़े होकर देखें तो राम शुरू में कहां था, एंडिंग पॉइंट पर खड़े होकर देखें यानी अंतिम बिंदु पर खड़े होकर देखें तो राम शुरू में कहां था, राम शुरू में कहां था, ठीक है। अब यहां खड़े होकर देखना है तो यहां पे बना लो, जहां बोला जाए वहां बना लो, ठीक है। शुरू में देखने के लिए बिल्कुल ऐसे देखना पड़ेगा मुझे, ऐसे देखना पड़ेगा, तो ये लाइन कौन सी है हमारी, पूर्व, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनेगा इसमें, 5 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। अब ये वाली दूरी आपको बतानी है, अब सोच के देखो ये दूरी आप कैसे निकालोगे। अब यहां से लेके यहां तक की अगर मुझे दूरी बतानी है तो मुझे ये बताओ, ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में चलो बोला गया था। मुझे ये दूरी बतानी है तो ये कितनी है, टोटल 5 है ना, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 ही होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी, आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन था, 5 ही क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, कहीं भी कुछ भी समझना है तो पूछ लेना भी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आप पहले वीडियो पॉज करके, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं वीडियो पॉज करके खुद से बना के देखना, फिर ना समझ में आए तो आप इसका आंसर देख लेना। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो तो एक वैसे कराया था आपको समझाने के लिए, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। मैंने आपको बोला है ए पूर्व दिशा में, पूर्व यानी कि ईस्ट, ए पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, ए पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगी, कल थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। आज सैटरडे है, अभी कल का ऑफ रहेगा क्योंकि संडे ऑफ होता है, हमें भी नोट्स बनाने के लिए और आगे के लिए यूट्यूब के लिए प्लान करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। कल संडे है, संडे को सिर्फ जीके की वीडियो अपलोड होती है, बाकी कोई वीडियो अपलोड नहीं होती है। मंडे को इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इसको आराम से समझना। अब तक जितने चैप्टर हो चुके हैं सबका बहुत जल्दी टेस्ट होगा, तो सबकी रिविजन भी कर लेना। ओके हाँ जी, राम ए जो है ईस्ट में जाता है कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, वहां से दाई ओर मुड़ता है, दाई ओर यानी कि राइट, वहां से वो राइट साइड मुड़ता है कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, राइट साइड मुड़ गया 10 किलोमीटर, फिर वहां से राइट मुड़ने के बाद वहां से दोबारा राइट मुड़ेगा, वहां से दोबारा दाई ओर मुड़ेगा कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग, वही 5 क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट, पहला क्वेश्चन ये कि ए जो है उसका फेस किस दिशा में है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है ए किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कि स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो अब ए कहाँ पे है, और चौथा क्वेश्चन एंडिंग पॉइंट से देखें तो अब ए कहाँ है, और पांचवा क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी बतानी है। ठीक है, यही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले खुद से ट्राई करना और इन पांचों के आंसर नीचे कमेंट करना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देख लेना। हाँ जी, ए ईस्ट में 20 किलोमीटर चलता है, एक पॉइंट बनाओ। अब एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको, जो मोस्टली स्टूडेंट अपने 5, 10 या 20 सेकंड पेपर में वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन इतना ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बनाएंगे एकदम एकदम जो पेपर आपको मिलेगा सोल्व करने के, उसके एकदम एंड में बनाएंगे, एंड में बनाएंगे, वो पहले पहले मान लो यहाँ चला दिया, उसके बाद जब बोला जाएगा यहाँ चलाओ तो वो आगे मान लो बिल्कुल यही बनाया, कई बच्चे तो बिल्कुल यही बनाते हैं, वो आगे चलाओगे कहाँ पे उसको, और फिर इसको फिर काट के फिर बीच में बनाओगे, तो इससे बेटर जब डायरेक्शन वगैरह के सम आते हैं ना, तो उसको बिल्कुल सेंटर में बनाए दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा, यहाँ पे ए का सफर शुरू हो रहा है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ए पूर्व दिशा में 10-20 किलोमीटर चलेगा, ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है, यहां से वो 20 किलोमीटर चलेगा, मैंने 20 किलोमीटर यहाँ पे उसको चला दिया, वहां से राइट साइड मुड़ेगा कितना, 10 किलोमीटर। अब एक बंदा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इसका राइट कहाँ होगा, नीचे होगा, राइट साइड में मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा अभी, सॉरी यहाँ नीचे आपको यहाँ बना देती हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर ताकि आपको दिख जाए, यहाँ पे मैंने बनाया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे कितना चल रहा है अभी वो 20 किलोमीटर, राइट साइड ये ऐसे है, राइट नीचे हो जाएगा, राइट साइड मुड़ेगा कितना, वहां से 10 किलोमीटर, तो यहां से नीचे मैंने चला दिया उसको 10 किलोमीटर, कितना भी चलाओ सामने कोई लाइन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से दोबारा वो राइट साइड मुड़ रहा है कितना, 20 किलोमीटर। अब वो बंदा ऐसे है, ठीक है, नीचे की साइड पे है, उसका राइट कहाँ होगा, इस साइड हो जाएगा, तो अब वो बंदा अगर नीचे की साइड पे है तो उसका राइट इस साइड होगा, देखो एक चीज याद रखो, जब ऊपर जाएगा तो उसका राइट, ऊपर जाना आसान है ना, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो उसका राइट इधर होगा, तो जब नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो राइट इस साइड हो जाएगा, अगर नॉर्थ में जा रहा है तो राइट इधर है, तो साउथ में आएगा तो राइट इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट में कितना जा रहा है, 20 बोल रहा है, अगर 20 बोला है तो बिल्कुल इसके सामने आके रोकना है आपने, क्योंकि सामने लाइन है यहाँ पे, तो ये 20 मैंने चला दिया, ये एंडिंग पॉइंट है, अब ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ए का फेस किस दिशा में है, अभी ए इस दिशा में है, तो ए का फेस किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है पश्चिम, तो आंसर आ जाएगा इसका पश्चिम दिशा में, ए किस दिशा में चल रहा है, तो इसी साइड चल रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, अभी पश्चिम दिशा में, स्टार्टिंग पॉइंट से ए कहाँ पे है, यहाँ खड़े होके देखना है, यहाँ खड़े होकर देखेंगे, बिल्कुल नीचे देखना पड़ेगा, बिल्कुल सामने है, सामने क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे दक्षिण, स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो दक्षिण में है, एंडिंग पॉइंट से देखना है, यहाँ खड़े होके देखो तो शुरू में कहाँ था,
ऐसे देखना पड़ेगा ऊपर, ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है भी, उत्तर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी है, अब ये दूरी कितनी है, ये कितनी है 10 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। आगे समझ में? तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है ये, हर टॉपिक सिंपल है, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, बस आप में करने के लिए, करने का आप में एक उत्साह होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, सीखने के लिए आपका मन होना चाहिए कि हाँ हमें करना है। हर एक टॉपिक बिल्कुल आसान है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं हमारा जो शौक है, मेरा स्पेशली जो शौक है, वो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, वो भी बिल्कुल डिटेल से, हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करना, चाहे वो जीके हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, रीजनिंग हो, कोई भी टॉपिक जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसे इतने दिनों से पढ़ रहे हो, आपको पता भी होगा मेरे पढ़ाने का वे कैसा है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नीडी होते हैं, जिनको हेल्प की जरूरत होती है। मैं अपनी तरफ से, सोर्सेस तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सकता है, सिर्फ एक नॉलेज है जो नॉलेज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर किया करो वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का बेनिफिट हो और हमारा चैनल ग्रो कर पाए, क्योंकि मेहनत आप लोगों के सामने है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। चैनल को ग्रो कराना आप लोगों के हाथ में है, आप इसको शेयर किया करो ताकि चैनल हमारा ग्रो करे। ओके, अभी तक आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, आगे भी ऐसे ही साथ देना, क्योंकि आपके साथ के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, अच्छा सा कोई क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, एक लड़की दक्षिण की ओर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सफर तो शुरू हो रहा है, वो एक लड़की का शुरू हो रहा है, एक लड़की जो है वो दक्षिण दिशा में कितनी चलती है, 30 मीटर चलती है। ठीक है, पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, दक्षिण दिशा में वो 30 मीटर चलती है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वहां से वो दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर यानी कि राइट साइड मुड़ती है, मैंने सारा इंग्लिश में वहां लिख रखा है, राइट ओर मुड़ती है और फिर भी कितना चलती है, 30 मीटर वहां पे चलती है। ठीक है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ती है यानी 20 मीटर चलती है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ती है और कितना चलती है, 20 मीटर चलती है। ओके, अगली लाइन में बोला गया है फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किस पेपर में आया हुआ है, ये SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में आए हुए है, SSC CGL एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हर पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो अब ये पूरा क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करना, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन क्या है, एक लड़की है, मैंने यहाँ पे बनाया है एक पॉइंट, यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलती है, तो मैंने ये दक्षिण में चला दिया उसको 30 मीटर, वहां से दाईं ओर मुड़ेगी, मैंने आपको बताया था ऊपर जाती है तो दाएं इस साइड होता है, नीचे आएगा तो दाएं इस साइड हो जाएगा, कितना चलेगी, 30 चलेगी, वहां से अपनी बाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 20। अब बायां कहां होगा, भी ऊपर वाली साइड दायां हो जाएगा, नीचे वाली साइड क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, कितनी चलेगी वहां पे, 20 मीटर, फिर दोबारा अपनी लेफ्ट साइड में मुड़ती है और कितना चलती है, 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उसका लेफ्ट, ये आपको देखना पड़ेगा, भी आपको समझना पड़ेगा, ये लेफ्ट होता है तो यहाँ पे मैंने उसको 30 चला दिया। ठीक है, ये बिल्कुल 30 था तो बिल्कुल इसके सामने आके रोका, ये एंडिंग पॉइंट है। पूछा क्या गया है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी, अब देखो ये कितनी है, अभी 30 है यहाँ पे, और ये कितनी है हमारी, ये 20 है, तो ये भी 20 होगी, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी होगी हमारी, 50 मीटर होगी। आगे समझ में? तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे कुछ आज के। वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, उसमें जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो हम बाद में करेंगे। अब तक जितने टॉपिक कराए हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो किसी भी टॉपिक के अंदर। ओके, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।